Será amigo, sabe? मैं इसे अंदर ले जाती हूँ। मैं जब जाऊंगा अंदर तो ले जाऊंगा। वैसे कितनी अजीब बात है ना सुंदर। क्या? दोपहर से मैं घर पर हूँ, शाम को भी था, बल्कि अब तो आधी रात होने को आ रही है। मैं समझी नहीं। चलो, किसी से तो डरती है वो। किसकी बात कर रहे हैं आप? उसी डाइन की बात कर रहा हूँ मैं, जो तुम्हें आज नजर ही नहीं है। चलो, मेरे घर पे होने का कोई फायदा तो होगा, आज उसने तुम्हें तंग नहीं किया। चलो मिले, अंदर जा रहा हूं मैं। चलेंगे आप जाए, मैं आती हूं। मैं सोई गई, कितनी भारी हो गई मेरा। डाइन कह रही है, देखो मैं तुम्हें डाइन कैसे बनाती।
या अल्लाह, आगे आपको यकीन? इस घर में कुछ है, वही कर रही है ये सब कुछ। मिनाल को मुझे दो। नहीं, नजर आ गई ना अब आपको, देख लिया ना आपने उसे। बताता हूँ तुम्हें, मिनाल को मुझे दो। नहीं, वो आपको और मिनाल को मुझसे छीनना चाहती है। उसका दम घुट रहा है, छोड़ो उसे। मैंने कहा ना नहीं, वो दोनों को मुझसे जीना चाहती है। अपने दिमाग का इलाज करा सुंबल, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है तो फिर ये सब जिनके खिलाफ मैंने FIR कटाई थी ना, ये वो लोग थे। आया समझ? चलो बेटा लेटो तुम। ये मिनाल के कुछ कपड़े और कुछ खिलौने, इन्हें प्लीज कहीं छुपा दो। क्यों बेगम साहब? प्लीज नगीना, भी सवाल नहीं करो मुझसे, इन्हें बस कहीं कहीं छुपा दो, वरना मेहमान सुबह होते ही मिनाल को कहीं ले जाएगा। मुनिया को बेगम साहब कहाँ लेके जाएंगे साहब? बहुत दूर, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इससे पहले कि वो मेरी बेटी को मुझसे दूर करे, मैं खुद उसे यहाँ से ले जाऊंगी। Thank you.
तेरी उस डायन ने ना बेगम साहब और साहब जी के बीच में वसवसे का दीवार खड़ा कर दिया। क्यों, क्या हुआ? साहब को लग रहा है बेगम साहब पागल हो गए, और बेगम साहब को लग रहा है कि साहब जी मुनिया को छीन के ले जाएगा। दिलावर, अम्मा आ रहा है, बेगम साहब ना मुनिया को यहाँ नहीं रहने देगा, ले जाएगा यहाँ से। ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए नगीना। दिलावर, साहब और बेगम साहब मालिक लोग हैं, जो दिल में आएगा करेगा, हम कैसे रोकेगा? कुछ भी कर, किसी तरह भी हम दोनों को आज दोपहर तक रोक ले। दोपहर तक क्यों? मैं वहां आऊंगा। पर बेगम साहब तुझे अंदर नहीं घुसने देगा, और अगर सब्जी घर पे हुआ तो? अगर तू फिक्र मत कर, मैं अंदर नहीं आऊंगा, तू मुनिया को लेकर बाहर आ जा। मुनिया के साथ क्यों? क्योंकि अगर एक दफा मुनिया हमारे कब्जे में आ गई तो समझ, नीली खुद ब खुद हमारे कब्जे में आ जाएगी। क्या हो रहा है जी? क्या कुछ हुआ क्या? एक घंटे से उसके बाल बनाए जा रही हो यार, माफ कर दो, रहम करो उस पे। जी बस बन गए। आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ। कहाँ? पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ मैं। पुलिस स्टेशन क्यों? क्यों का क्या मतलब है सोमू? रात को क्या हुआ घर पे? उसकी रिपोर्ट नहीं करूंगा? अमान, आई थिंक आपको इस बात को बढ़ाना नहीं चाहिए। जो लोग घर पे हमला कर सकते हैं वो तो कुछ भी कर सकते हैं। फिर तुम एक काम करो, मेरा ख्याल ना ही करो तो बेहतर है। तुम मिनाल का ख्याल कर लो, अपना कर लो, उस घर का कर लो तो बहुत है। मैं जा रहा हूँ, जल्दी वापस आऊँगा। प्लीज़ कोई बेल बजे तो बगैर पूछे मत खोलना, कोई परेशानी हो तो मुझे फ़ोन कर देना। ओके, आता हूँ। सॉरी बेटा, बस बन गए। ये लो, रस्ते में पड़ी हुई थी, उसकी चीजों का तो ख्याल कर लिया करो यार। Thank you.
सलाम बेगम साहब। अस्सलाम वालेकुम आंटी। तंज कर रही हो या वाकई सलामती की दुआ दे रही हो? शिकायतें तो मुझे भी आपसे बहुत है, लेकिन अभी आप पहली मर्तबा मेरे घर आए हैं, इसलिए प्लीज बैठिए ना, वरना आप कहेंगी कि बैठने का भी नहीं कहा। घर क्या खूब कहा, मैं इंतजार कर रही थी कि तुम मुझे अपने घर बुलाओगी तो मैं फिर आऊंगी। फिर मुझे अचानक ख्याल आया कि अरे बानो, ये तो तुम्हारे अपने बेटे का घर है और बेटे के घर मां पूछ के थोड़ी जाती, जब मर्जी चली जाए जा सकती है ना? बिल्कुल जा सकती है, लेकिन अमान अभी घर पे नहीं है। कोई बात, मैं तो अमान से मिलने भी नहीं आई। अमान मुझसे मिलने रोज आता है, मुझे देखने, मेरा हाल पूछने, घंटों बातें करता है अपने दिल की मेरे साथ बैठ के। अच्छा। आज तो मैं तुम्हें एक मशवरा देने आई। दीजिए ना। खाला तुम छोटी सी थी, तुम्हारी माँ मर गई, बाप भी छोड़कर चला गया, भाई और भाभियों के गले में भी तुम अजाब की तरह थी, इसलिए तुम्हें क्या बताओ उन्हीं रिश्तों की तपेश और जोश का। ठीक कह रही हैं, मुझे वाकई इन सब चीजों का नहीं पता। मैं चाहूँ ना ऐसे अपने बेटे को वापस ले जा सकती हूँ अपने पास। कैसे? ऐसे तावीज और जादू करवा के। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही, ये बकवास है, झूठ है, इल्जाम। नगीना तुम जाओ, मैं ये देखो। अफसोस तो इस बात का है कि अमान आप ही का बेटा है, लेकिन फिर भी इसे अपने बस में करने के लिए आपको किसी बाबा के पास जाना पड़े, तावीज करवाने पड़ रहे, जादू करवाना पड़ रहा। ऐसे मैं कुछ नहीं कर रही। किसने कहा तुमसे? फहीम अंकल ने। पता मैं क्या सोचती हूँ आंटी? मैं ये सोचती हूँ कि अगर ये सब कुछ सोचकर मुझे इतनी शर्म आती है तो अमान की माँ होते हुए आपको शर्म नहीं आती? बस कर लड़की, तुम्हारी माँ भी तुम्हारी तरह चपड़ जबान और सीने पर मोंग तलने वाली थी। क्या अंजाम, तेरा बाप छोड़कर चला गया ठीक इसी तरह,
इसी तरह अमान भी तुम्हें छोड़कर एक दिन मेरे पास वापस आएगा और ऐसा मैं करके दिखाऊंगी तुम। आंटी जाते जाते मेरी बात तो सुन जाए, आप जो मर्जी करें, इस घर पर और अमान पर आपके तावीज और जादू का असर मैं नहीं होने दूंगी। इससे पहले कि वो नीले भुज पे हमला करें, मैं उस बच्ची को अपनी बांदी बनाना चाहता हूं। बेगम साहब, आपका सास बहुत ही जहरीला है। इधर का सारा हरकत देख के ना अब हमें यकीन हो गया कि साहब उल्टा सीधा हरकत वही करा रहा है। बस मिनाल कहाँ है, मिली वो? आप परेशान मत हो बेगम साहब, हम ढूंढ लेगा उसको, इधर ही होएगा वो। आप हमारी बात सुनो, आप ना अभी ये घर छोड़ के मत जाना, वरना वो औरत जीत जाएगा। और अब की बार अगर आपने घर से पैर निकाला ना, तो क्या पता साहब जी आपको दोबारा कबूल करे नहीं करे। रहीना, मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ, क्या पूछ रही हूँ मैं तुमसे, तुमसे मिनाल का पूछ रही हूँ, तुम क्या बकवास कर रही हो? बेगम साहब, मिनाल साहब, आप ये चाय पी लो, फिर आराम कर लो, आप मुनिया का ख्याल रख लेगा। मुझे आराम नहीं करना, मिनाल का ख्याल मैं खुद रखूंगी। नगीना, चाहते हुए दरवाजा बंद कर देना। जी मैम साहब। Thank you.
तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। ये क्या समझ रही थी? तुम्हें इस घर से बाहर ले जाएगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा। इस घर में जो कुछ होता है मुझे सब पता चल जाता है, लेकिन आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपको कभी कुछ नहीं होना। और जो भी कोई आपको तंग करेगा उसे नहीं छोड़ूंगी। उसने आपको बोलते हुए सुन लिया था और ये समझेगी कि आप बोल सकती, लेकिन वो तो मैं बोल रही थी, आप बोलो या मैं, बात तो एक ही है, क्योंकि मैं और आप एक ही तो हैं, है ना? चलो शाबाश, अब आप अपनी दोनों आंखों पे हाथ रखें। हसीना आलम, सब्जी ले आया तुम्हारे लिए सुबह सुबह, ये देखो। मैं तो आपका लाया हुआ जहर तक ना खाऊं। क्या हो गया, क्या कह रही हो? ये कह रही हूं मैं कि मैं आपका लाया हुआ, क्या कर रही हो बानो? इसकी बेहुरमती तो मत करो। और आप मेरी जो बेहुरमती करते हैं वो सब क्या है? क्या हो गया बानो? मुझसे तुम्हारी ये जहालत बर्दाश्त नहीं होती और मुझसे आपकी बेवफाई बर्दाश्त नहीं होती। कौन सी बेवफाई, क्या कर दिया है मैंने? क्या कहा है आपने अपनी उस कुछलगती से? कौन सी कुछलगती, क्या कहा है? यही कि मैं उसके ऊपर जादू टोने कर रही हूँ, उसका घर तोड़ने पे लगी हुई, यही कुछ कहा ना आपने? किसने कहा तुमसे ये सब कुछ? इससे खर्च नहीं होनी चाहिए आपको, आपने कहा या नहीं? अच्छा यहाँ बैठ के तहम्मुल से बात करो फिर जवाब। मुझे भाषण नहीं सुने आपके, मुझे बताएं कहा या नहीं? हाँ कहा है मैंने ये सब कुछ, क्योंकि हजार बार मैंने तुम्हें मना किया था कि निकल लाओ इन चक्करों से, खुश रहने दो मेरे बच्चों को, मत बर्बाद करो मेरे बस। अगर बस भाई बस एक लफ्ज नहीं और एक लफ्ज भी नहीं। Regina.
तो शुक्र है कि मैं चिल्ला पड़ रहा था। मैंने तुझे कहा ना, जब तक मैं हूं तुझे कुछ नहीं होगा। हमें हुआ क्या था? बस अब तुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूं ना। पर हमें हुआ क्या था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जरी में से झांका तो वो तुझे घसीट कर लेके जा रही थी। वो कौन? वो डाइन। पर आम तो मुनिया को लेकर बाहर आ रहा था, फिर उसके बाद क्या हुआ हमें कुछ याद नहीं है। नगीना तू ठीक कहती थी, वो बहुत खतरनाक हो गई है। मैं तो समझता था कि उसे काबू करना आसान है, मगर तू अंदर कैसे आया? दरवाजा किसने खोला? दिलावर तू चला जा। ये वक्त इन बातों में जाया करने का नहीं है, जा जल्दी से जाके अपनी मुनिया को लेकर आ। मुनिया? क्यों दिलावर? क्योंकि वो बच्ची नीले की कमजोरी है। इससे पहले कि वो नीले मुझ पर हमला करे, मैं उस बच्ची को अपनी बंदी बनाना चाहता हूँ। बंदी? हाँ, उस बच्ची के गले में जंजीर डाल के मैं उस बच्ची के जरिए नीले को अपने बस में करना चाहता हूँ। जब तक वो बच्ची हमारे काबू में होगी, नीले तेरा और मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पर दिलावर, वो बच्ची है। वो बच्ची नहीं है, वो तेरी और मेरी हिफाजत की जमानत है। वो उस खजाने की कुंजी है जिसका नाम नीली है। बातों में वक्त पर बात न कर, लेकर आ उसको। तो साथ चल दिलावर, हमें अकेले डर लगता है। चल ठीक है, चल। आदमी नगीना, तुमने मुझे पागल समझा? बेवकूफ लगती हूँ मैं तुम्हें? अगर किसकी इजाजत से तुम इस आदमी को मेरे घर में लेकर आई हो, नगीना अभी फौरन निकालो, वरना इसके साथ साथ तुम्हें भी निकाल दूंगी मैं। बेगम साहब, आप हमारी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुन रहे नगीना। बेगम साहब, ये बाबा जी है जिसके पास कब्रिस्तान लेकर गया था हम आपको। बाबा? मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि अमान को इन सब बातों पे यकीन नहीं है। उन्हें पता चला तो वो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी इस घर से निकाल देंगे। और आप अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं? खुदा का वास्ता यहाँ से चले जाएं, प्लीज। नीली, नीली नाम है उसका। हमने ही उसे इस घर में हिसार खींच के कैद किया था। आपने जानते हैं उस औरत को? औरत नहीं, डाइन है वो, शैतान। शैतान? हाँ, शैतान। हम तो ये भी जानते हैं कि वो तुझे परेशान करती है, तुमको और तुम्हारे शोहर को लड़वाती है। जब तू रोक ये साबित करने की कोशिश करती है तो वो गायब हो जाती है। शैतान है वो, मकर और फरेब का दूसरा रूप। उसका काम है शर फैलाना। जिस तरह शैतान लोगों को लड़वा कर खुश होता है, इसी तरह वो भी खुश होती है। देखिए, ये सब मेरे साथ क्यों कर रही है? मैंने क्या बिगाड़ा है उसका? सबर, अल्लाह अपने नेक बंदों का इम्तिहान लेता है। तुम परेशान ना हो, हम है ना, हम निकालेंगे उसे यहां से, तुम बेफिक्र। वो है कौन?